डबल सनिहाल सत श्री अकाल। देखो बेचारा नाकाम आशिक बियर पी के गम बुलाने की कोशिश कर रहा है ये। मेरी होने वाली बीवी से प्यार करता है ये, मगर वो तो उसे चाहती ही नहीं है यार। यानी कि डर पिक्चर का शाहरुख खान है। लड़की पटाने के लिए मर्दानगी होनी चाहिए, ये तो साला पानी कम चाय है क्या। इस साले पी रखी है, आई किल दैट बास्टर्ड। ओए कितना सोना शॉट मारा है। हेलो, मैं डी के माथुर बोल रहा हूँ दादा ठाकुर। हाँ माधुर साहब बोलिए, कैसे याद किया? दादा ठाकुर मेरा विवेक इस दुनिया में नहीं रहा दादा ठाकुर। क्या? किसी ने बड़ी बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। क्या हुआ भैया, किसका फोन था? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? एक बुरी खबर है, किसी ने विवेक का खून कर दिया। दादा ठाकुर हौसला रखिए माधुर साहब, मैं आपके विवेक को तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन इतना वादा जरूर करता हूं कि इसके हथियारों को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। विवेक के साथ किसी की जाती दुश्मनी रही हो या आपको किसी पर शक है तो मुझे बताइए। अभी अभी इंस्पेक्टर काम ले आया था, उसने बताया कल शाम एसीपी त्रिकाल चौधरी के बेटे इंदर और उसके बीच में झगड़ा हुआ था, उसने इसे जान से मारने की धमकी दी थी। इन दोनों का आपसी झगड़ा तो आप जानते हैं दादा ठाकुर, उसने मेरे बेटे को मार दिया दादा ठाकुर। या ओके सी यू लेटर। क्या बात है कामले, अचानक कैसे आना हुआ? सर मुझे अफसोस है लेकिन फर्ज के आगे मैं मजबूर हूँ, मैं इंदर को गिरफ्तार करने आया। गिरफ्तार? क्या बकवास है ये, क्या किया इंदर ने? सर इसने बिल्डर डी के माथुर के बेटे का खून किया। क्या विवेक का खून हो गया? जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश मत करो इंदर। इंस्पेक्टर मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने विवेक का खून नहीं किया है। कामले तुम्हारे पास क्या सबूत है? सर इंदर और विवेक के बीच में जहाँ मारपीट हुई थी वहाँ एक काफी शार्प और उसी काफी शॉप के एक वेटर ने पुलिस को यह बयान दिया है कि उसके सामने इंदर ने विवेक को जान से मारने की धमकी दी थी और उसके बाद उसका खून हो गया। आई एम सॉरी सर, मुझे इंदर को गिरफ्तार करना ही पड़ेगा। आप चुप क्यों खड़े हैं? कुछ बोलते क्यों नहीं? हमारा बेटा इंदर, वो खून नहीं हो सकता। सुधा मैं जानता हूँ लेकिन इस वक्त मैं इंदर को गिरफ्तार होने से रोक नहीं सकता। कामले तुम अपनी ड्यूटी पूरी करो। यस सर, चलो। इंदर अच्छा हुआ पुलिस ने तुझे गिरफ्तार कर लिया, अगर इस वक्त तू सलाखों के बाहर होता तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ता। आप मेरा विश्वास कीजिए, मैंने विवेक का खून नहीं किया। और यह बात मैं भी यकीन से कह सकता हूं कि मेरा बेटा खूनी नहीं हो सकता। अब तो अच्छा यही होगा कि तेरा बेटा अदालत में कातिल साबित हो जाए। अगर ये अदालत से बच गया तो दादा ठाकुर की अदालत में इसे एक ही सजा मिलेगी, सजाए मौत।
पहले मैं 3 पेटी दे चुका हूँ, ये रहे बाकी 2 पेटी। थैंक यू अन्ना, लेकिन एक बात मुझे बहुत खटक रही है। दुश्मनी आप लोगों की दादा ठाकुर के साथ है, फिर सुपारी देकर आपने विवेक को क्यों मरवा डाला? इसलिए कि वो दादा ठाकुर के बहन का होने वाला सुहाग था, उसकी बहन का घर पसने के पहले ही उजड़ गया। ये बात दादा ठाकुर को बहुत तड़पाएगी। अब हम दादा ठाकुर के घर में कभी खुशियों के शहनाई बजने नहीं देंगे। मगर मेरे को एक बात समझ में नहीं आई कामले, विवेक के मर्डर केस में तूने त्रिकाल चौधरी के बेटे को क्यों गिरफ्तार किया? इंदर ने विवेक को जान से मारने की धमकी दी थी, जिसका फायदा मैंने उठा लिया, ताकि दादा ठाकुर विवेक के कातिल को ढूंढने की कोशिश ना करें। वरना अगर दादा ठाकुर को मालूम हो जाए कि विवेक की सुपारी लेकर मैंने उसको टपकाया, तो मेरा तो जीना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अन्ना, विवेक का मर्डर करवा के तुमने दादा ठाकुर को बहुत बड़ा झटका दिया है, इस खुशी में तो जश्न होना चाहिए, हंगामा होना चाहिए। उसका भी बंदोबस्त हो चुका है। देखिए मिस्टर चौधरी, घबराने की कोई बात नहीं, आपका बेटा कोई पेशावर कातिल तो है नहीं, उसकी जमानत हो जाएगी। थैंक यू। हेलो, मैं दादा ठाकुर बोल रहा हूँ। नमस्ते सर, आज तो सर मेरे भाग खुल गए, आपने मुझे फोन किया सर, कहिए कैसे याद किया आपने? तुम त्रिकाल चौधरी के बेटे का केस नहीं लड़ना। जी समझ गया सर, आपका हुक्म मैं कैसे टाल सकता हूँ सर, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपने जैसा कहा है ठीक वैसा ही होगा सर। जी आई एम सॉरी मिस्टर चौधरी, मैं आपका केस नहीं दे सकता। क्या? लेकिन मिस्टर नैलानी, अभी आप मुझसे हमदर्दी जता रहे थे और अचानक आपका माइंड चेंज कैसे हो गया? देखिए मिस्टर चौधरी, मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ, अब आपका केस इस शहर का कोई वकील नहीं देखेगा। क्या? अगर आप अपने बेटे को छुड़वाना चाहते हैं तो मेरा एक मशवरा है, आप दादा ठाकुर की अदालत में चले जाएं, क्योंकि अगर दादा ठाकुर चाहेंगे तो ही आपका बेटा बच सकता है। मिस्टर त्रिकाल चौधरी, मेरे को लगता है विकास और इंदर के बीच जो लफड़ा हुआ उसका फायदा उठाकर दादा ठाकुर विकास का मर्डर करवा दिया, ताकि उस मर्डर के जुर्म में तुम्हारे बेटे को फंसाकर तुमसे बदला ले सके। सर आप तो जानते हैं कि मैं कितना मजबूर था, वरना इंदर बाबा तो मेरे बेटे की तरह है, उसे गिरफ्तार करते हुए मुझे कितनी तकलीफ हुई शायद आप नहीं जानते। पानी की तरह शराब पीने से तुम्हारे अंदर की आग नहीं बुझेगी मिस्टर त्रिकाल चौधरी, तुम्हें चाहिए दादा ठाकुर का ब्लड। ठीक कहा तुमने, उस साला 2 टके का हवलदार जो कल तक पालतू कुत्ते की तरह आगे पीछे दुम हिलाए मेरे पीछे घूमता था, वो आज शेर बनकर मेरे ही सामने दहाड़ रहा है। I'll kill that bastard. I'll kill him. दादा ठाकुर, ए दादा ठाकुर, कहाँ छुपा है बुजदिल? अरे मर्द का बच्चा है तो मेरे सामने आ, तेरी दुश्मनी मुझसे है, मुझसे दादा ठाकुर, बदला लेना है तो मुझसे ले, है? मेरे बेटे ने तेरा क्या बिगाड़ा? और चुप कर ओए त्रिकाल, बड़ी बकवास किए जा रहा है, चाहे तू हुण दादा ठाकुर के खिलाफ एक लफज भी निकाले ना, मैं तेरी जबान खींच लेगा। नहीं रंजित, दादा ठाकुर मैं जानता हूं तू विवेक का कातिल है, तू मेरे बेटे को फंसाने के लिए तूने उसका कत्ल करवाया था, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा दादा ठाकुर, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। विवेक का हत्यारा कौन है इसका फैसला तो अदालत करेगी, लेकिन अगर मैं चाहूं त्रिकाल चौधरी तो अभी और इसी वक्त तेरी जिंदगी का फैसला कर सकता हूं, लेकिन मौत तेरे लिए बहुत आसान सजा होगी, मैं तुझे जिंदा रखूंगा और तेरी हर सांस में मौत की बेचैनी भर दूंगा, ताकि तू सारी जिंदगी इसी तरह तड़प तड़प कर
जीता रहे। रंजीते, इसे इज्जत के साथ बाहर छोड़ा। सर, मुझसे आपकी परेशानी देखी नहीं जाती। आज ये साबित हो गया कि गुंडा ताकत के आगे हम पुलिस वाले कुछ भी नहीं। मेरे बेटे की जिंदगी से खेलना बहुत भारी पड़ेगा दादा ठाकुर को। त्रिकाल चौधरी जब तक इस वर्दी में है तब तक मजबूर है। जिस दिन कानून की सरहद पार कर गया बचेगा नहीं दादा ठाकुर। सर, कानून हाथ में लिए बिना आप दादा ठाकुर का नाम उसकी जिंदगी की किताब से मिटा सकते हैं। क्रिस्टोफर गोम्स, जो इस वक्त लाकब में बंद है, पेशावर कातिल है। अगर आप चाहें तो उसे लाकब से भेजकर दादा ठाकुर का काम आराम से तमाम कर पा सकते। You're right, कामले। दुश्मन के साथ अगर खुल के मुकाबला करना मुमकिन ना हो तो उसे दिमाग से मारना चाहिए। हेलो बेटी, मैं इंदर की माँ बोल रही हूँ। बोलिए, क्या बात है? बेटी, मैं इंदर से मिलने पुलिस स्टेशन गई थी। वो तुमसे एक बार मिलना चाहता है, अगर हो सके तुम एक बार जाकर उससे जरूर मिल लो। बेटी, किसका फोन था? इंदर की माँ का। क्या कहा इंदर की माँ ने? इंदर मुझसे मिलना चाहता है। तुमने क्या सोचा? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मगर मैं समझती हूँ। तू आज भी इंदर से प्यार करती है। देख रश्मि, मेरा दिल ये नहीं मानता इंदर विवेक का कातिल हो सकता है। मेरे ख्याल से तुझे उससे जरूर मिलना चाहिए। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नफरत करती हो, क्योंकि तुम्हारी नजरों में मैं बेवफा हूँ। मैंने तुम्हें धोखा दिया है, मगर ये सच नहीं है रश्मि। दरअसल मैं अपने पिता की धमकी से डर गया था कि वो कहीं तुम्हें जान से ना मरवा डाले, इसलिए मैंने तुमसे ये झूठ बोला कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता। प्यार मैं तब भी करता था तुमसे और आज भी करता हूँ। हाँ रश्मि, लेकिन इस वक्त मैंने तुम्हें ये कहने के लिए बुलाया है रश्मि कि विवेक की हत्या से मेरा कोई वास्ता नहीं है। मैंने उसका खून नहीं किया रश्मि। पता नहीं आज भी मेरे दिल को यह यकीन है कि तुम मेरी बातों का विश्वास जरूर करोगी। बस यही कहना था मुझे। नमस्कार, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, इसलिए कपड़े बच्चों के लिए लाया हूँ। धन्यवाद, सचमुच इन बच्चों के लिए आप देवता हैं। अरे नहीं, आदमी बस इस दुनिया में ठीक से इंसान बन जाए इतना ही बहुत है। आजा पुत्र, आजा, 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 चलो तुझे लाइन दे लगे हो, आओ आओ पुत्र, आजा, एक एक करके आओ तुझे, आजा, आजा, जा, 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 नमस्कार। निहाल,
किसने भेजा है तुझे? कौन चाहता है मेरी मौत? बोल वरना जान से जाएगा। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, डोंट किल मी। मुझे त्रिकाल चौधरी ने आपको मारने की सुपारी दी थी। राधा ठाकुर के नाम की सुपारी लेने से पहले सोचना चाहिए था कि सांप कितना ही जहरीला क्यों ना हो, नेवले का शिकार नहीं कर सकता। समझो, अगर तू जिंदा रहना चाहता है तो पुलिस कमिश्नर के सामने त्रिकाल चौधरी के खिलाफ तुझे बयान देना होगा। मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। गुड मॉर्निंग सर। क्या बात है सर, आपने मुझे अर्जेंटली बुलाया? इज देयर एनीथिंग रॉन्ग? आपने पुलिस डिपार्टमेंट के चेहरे पे काली पोत दिया है। आप जैसे जिम्मेदार अफसर से ऐसी घटिया हरकत की उम्मीद नहीं थी मुझे। लेकिन सर मैंने क्या किया? दादा ठाकुर को खत्म करने के लिए जो प्रोफेशनल किलर आपने भेजा था वो अपने आप को कानून के हवाले कर दिया है। जानता हूं दादा ठाकुर से आपकी जाति दुश्मनी है। अगर उसका सर कुचलने के लिए आप कानून का सहारा लेते तो आज पुलिस और कानून दोनों का सर फक्र से ऊंचा हो गया होता। आई एम सॉरी मिस्टर चौधरी, यू आर सस्पेंडेड। हेलो। तेरे सस्पेंशन के बारे में जानकर खुशी हुई, लेकिन मुझे ज्यादा खुशी उस दिन होगी जिस दिन तुझे बर्खास्त कर दिया जाएगा। जो फंदा तूने मेरी मौत के लिए तैयार किया था उसमें खुद तेरी गर्दन फंस गई है। यह सब वक्त का खेल है त्रिकाल चौधरी, और वक्त का दूसरा नाम है दादा ठाकुर। जो वक्त से टकराते हैं उनका यही हश्र होता है। आपके सस्पेंशन की न्यूज मैं अखबार में पढ़ चुकी हूँ, और आज मुझे अफसोस है अपने आप पर कि मैं एक ऐसे इंसान की पत्नी हूँ जो इंसान कहलाने के काबिल नहीं है। शट अप, शट अप। मैं पहले से परेशान हूँ और मेरा दिमाग खराब मत करना। ज्यादा चिल्लाकर मेरी आवाज दबाने की कोशिश मत कीजिए। आप इतने गिर गए कि दादा ठाकुर को मारने के लिए आपने किराए का कातिल भेजा? शर्म आनी चाहिए आपको अपने आप पर। काल चौधरी जिंदगी में कभी हार नहीं मानने वाला। दादा ठाकुर मरेगा और अब मेरे ही हाथों से मरेगा। लोगों को मालूम है अन्ना और त्रिकाल साहब में दोस्ती है, लेकिन सच तो है कि अंडरवर्ल्ड में कोई किसी का दोस्त नहीं होता। हाँ, तेरे को मालूम है विवेक को किसने मरवाया? अन्ना ने। और फंस गया वो बेचारा त्रिकाल साहब का छोकरा। बैड टाइम, मालूम नहीं अभी क्या होएगा। हाँ। बास्टर्ड्स, मैंने तुम दोनों को अपना दोस्त समझा और तुमने मेरे ही पीठ पे चाकू भोंक दी। दादा ठाकुर से बदला लेने के लिए मेरे बेटे की जिंदगी से खेल गए। खेल इन लोगों ने नहीं, खेल मैंने खेला। इन लोगों ने तो सिर्फ सुपारी दी थी मुझे विवेक को मारने की। इंदर को विवेक मर्डर केस में मैंने फंसाया ताकि दादा ठाकुर की नजर में विवेक मर्डर केस की फाइल हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाए। वरना आप तो अच्छी तरह जानते हैं साहब, मैं तकलीफ में आ जाता। देख लूंगा तुम सबको, बचोगे नहीं तुम लोग। त्रिकाल से दुश्मनी लेकर तुम लोगों ने अपना काल बुलाया है। चौधरी, गला फाड़कर मत चिल्ला वरना मुंह के अंदर से जबान खींचकर अपने कुत्ते को खिला दूं। तेरा फ्यूचर साफ नजर आ रहा है मेरे को। अब तुझे किसी ट्रैफिक सिग्नल पर साड़ी पहनकर ताली बजा बजा कर भीख मांगना पड़ेगा मिस्टर त्रिकाल चौधरी। बचकर नहीं जाओगे अन्ना, मैं नहीं छोड़ूंगा। ले जाओ
मार मार कर इसको गेट के बाहर फेंक दो। आज मुझे एहसास हुआ सुधा, कि ताकत और दौलत की घमंड इंसान को जानवर बना देती है। मेरे घमंड ने मेरे बेटे इंदर की जिंदगी बर्बाद कर दी और आज वक्त ने मुझे ऐसी ठोकर मारी कि मैं टूट कर चूर चूर हो गया। ये सच है कि इंसान जो बोता है वही काटता है। ये मेरे अपने पाप हैं जो मेरी तबाही बनकर मेरे सामने आए। लेकिन दुख इस बात का है सुधा कि मेरे गुनाहों की सजा मेरे बेटे को मिल रही है। देखिए पश्चाताप के आंसू इंसान के बड़े से बड़े पाप को ढो डालता है। आप फिक्र मत कीजिए, हमारे बेटे इंदर को कुछ नहीं होगा। दादा ठाकुर जो आपसे नफरत करता है वो जायज है, लेकिन मैं कभी उसकी भाभी थी। भाभी जो माँ के समान होती है। मैं जाऊंगी दादा ठाकुर के पास इंदर के लिए इंसाफ मांगने।